आनिया का आ चुका है केक। मुझे तो यकीन भी ना तुम केक लेकर आओगे, मुझे लगा आने के बाद जाओगे लेने। आज मैं और सानिया और सानिया के पापा तीनों का केक काटेंगे। तो बर्थडे गर्ल कैसा लग रहा है? केक काट गए हैं, केक आने आ गया। तेरा कैसा लग रहा है अभी? तो फ्रिज में रख दे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सानिया का बर्थडे आज, तो मुझे पता नहीं था कि केक वगैरह कुछ लेके आएंगे इसके पापा, क्योंकि रियान तो यहाँ है नहीं, नानी के गया हुआ। तो मैंने बोला सुना कि शाम को आओ तो केक लेके आना। अभी हम केक कट करेंगे और मैं बहुत सारी सब्जी भी लेकर आई हूँ। अभी इसके पापा के साथ में गई थी, इतनी सारी सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर और तुम्हारे भिंडी, बैंगन, अदरक, नींबू, सारी चीज़ें इसमें। और अभी सानिया के लिए, सानिया वैसे तो कुछ खाती नहीं है लेकिन बिरयानी के चावल चावल खा लेती है, तो उसके लिए सानिया के पापा गए चिकन लेने के लिए। तो मैं बनाऊंगी बिरयानी सानिया के लिए। चलो कुछ तो खा लेगी, इसका यही है कि चलो उसके लिए क्या करे क्या करे। वैसे भी इसका मन ऐसी हो रहा, रियान ना है ना, रियान के ना होने से नहीं ऐसी हो रही है, अपने भाई के ना होने से है नहीं। कह रही मेरे बर्थडे पर गया है मुझे छोड़ कर, रियान तो उससे नाराज हो रही है। ब्लॉग देगा ना जब पता चले। तो अभी इसका केक आया हुआ रखा है, तो अभी है ना हम पहले केक कट करवाना, खाना बना लूँ ना। तो अभी इसके पापा आ जाएंगे ना, तो पहले मैं ना केक कट करवा लूँगी। और अभी मैं नीचे से आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा, वैसे इतनी गर्मी नहीं है लेकिन मैं नीचे से आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। और अभी ना मैं पहले ये सारी जो चीज़ें हैं ना, लहसुन प्याज वगैरह, ये बाद में रखूँगी, जो टोकरी में लगानी है, फ्रिज में रखना है धो के। अभी मैं पहले कर लेती हूँ बिरयानी की तैयारी क्योंकि टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं रात के। तो फिर मुझे ना जो ईशा की अजान भी हो जाएगी, नमाज़ पढ़नी है, तो मैं कर लेती हूँ तैयारी बिरयानी बनाने की। तब तक इसके पापा चिकन लेके आएंगे, ठीक है? फिर दिखाते हैं आपको केक कट करेंगे जब। रियान के बिना ही हम बर्थडे मनाएंगे, मैं और सानिया और सानिया के पापा, तो चार मेंबर है, चार में भी एक कम है, क्या कर सकते हैं, तीनों ही मना लेंगे, कोई बात नहीं। इस बार ऐसा ही सही, रियान को नानी के यहाँ मौज करने दो और हम यहाँ मौज कर लेंगे, ठीक है? वैसे ना हमारा आगरा जाने का प्लान था कि सानिया के बर्थडे वाले दिन हम आगरा जाएंगे, लेकिन किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो क्योंकि इसके पापा आज चले भी गए थे ना, छुट्टी भी नहीं थी उनकी और हम नहीं जा पाए। तो हम ना मेरे भाई की जो शादी है उसके बाद सोचेंगे, सर्दी आ जाएंगी तब जाएंगे हम आराम से। अभी हमने कैंसिल कर दिया जाना, तो सानिया का थोड़ा सा मूड ऑफ है, इसी वजह से मूड ऑफ हो रहा था। नहीं तेरा आगरा नहीं गए? नहीं चलेंगे आगरा हम शादी के बाद, थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे ना। अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम है, ये वो तो भागम भाग सी हो रही है शादी वादी की वजह से, तो इस वजह से अब अभी मन नहीं था जाने का। जब थोड़ा शादी के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे ना, सारे काम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम घूमने के लिए चारों। पहले काट लेते हैं सानिया का केक। सबर कर ले, सबर कर ले, सबर। चलो भाई कटवा दो। जल्दी काट ले। हैप्पी बर्थडे, केक खाने बैठे हैं। हैप्पी बर्थडे डियर सानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे बन गया सानिया का। क्या बर्थडे? सो गाइस, केक तो कट चुका है और अभी हो रही है खाने की तैयारी बिरयानी बनाने की। ये प्याज फ्राई हुई है ब्राउन, सानिया बना रही है चटनी, ये राइस मैंने भिगो दी और ये चिकन रखा हुआ यहाँ पर। दूध मेरा निकलते निकलते बच गया, बस सभी बना लेते हैं, तैयारी चल रही है। कैसा लग रहा है आपको बर्थडे बना के? अच्छा लग रहा है।
लग रहा ध्यान की याद आई बिल्कुल भी। उसको मेरी याद आई, मुझे छोड़ के चला गया। तो क्या करता, मजबूरी थी उसी, छुट्टी थी, वो तो बहुत जाना जाना भी कर रहा था, तो सब टाइम मिला जाना। आज कल चला जाता, कल क्या जाता, फिर कल छुट्टी, दो दिन की छुट्टी, और छुट्टी कितनी थी उसकी, आज कल कल जाता, परसों फिर आजा, आना पड़ता उसे, फिर क्या फायदा जाने का उसका। चल कोई बात नहीं, अगले साल मना लेगा तेरा बर्थडे, उसका बर्थडे आएगा ना, फिर तू चली जाना, जब तुम साथ ही रहेंगे जब उसका बर्थडे आएगा। रियान का बर्थडे उस दिन आएगा, शायद जिस दिन मेरे भाई की हल्दी होगी उस दिन आएगा ना सानिया, 31 अक्टूबर को आता है उसका, और सानिया का है 15 सितंबर को आता है सानिया का। आज दुनिया खत्म होने वाली थी, आज दुनिया खत्म होने वाली थी लेकिन खत्म नहीं हुई, मेरा बर्थडे है, इस सानिया का बर्थडे था ना, इसलिए सानिया सोच रही थी कि आज मेरा लास्ट दिन है, जन्मदिन और मरण दिन एक ही साथ हो जाएगा, क्या दुनिया खत्म होने वाली, क्या होने वाला था आज बताओ। आज एक एस्टेरॉइड गिरने वाला था अर्थ पे, पहले भी हुआ था ना ऐसा, 720 फीट गिरता वो अंदर, 720 फीट नीचे अर्थ में, पहले भी हुआ था ना ऐसा, एक बार सुनी थी, हुआ था लेकिन वो कह रहे थे कि वो अर्थ से आया था लेकिन वो साइड से होके गुजर गया था, मतलब अर्थ पे नहीं गिरा, इस बार कह रहे थे कि वो ऊपर से आके सीधा अर्थ पे गिरेगा। जब दुनिया खत्म होनी होगी ना तो यूं ही हो जाएगी, पता भी ना चलेगी, ना किसी का वो होगा इंतजार, होना होगा ना, जब ऐसे हो जाएगा, और जाना तो है ही एक ना एक दिन, देखो ऐसे जाओ या वैसे जाओ, जाना तो सबको ही है, तो जिंदगी है उसे जी लो, खुशी खुशी जी लो जो जिंदगी है, उसे हंस के खुशी हो के, और बस तो जैसा भी मना सानिया का, बस ही बस ऐसी केक काट, ज़्यादा कुछ हम करते नहीं हैं कि ज़्यादा ताम जाम, ये थोड़े बच्चे हैं, थोड़ा फोटो वगैरह डाल देते हैं, स्नैप वगैरह डाल देते हैं, तो इनका मन रहता है हाँ जी बर्थडे था, मना था बर्थडे, और बर्थडे के दिन काम कर रही है, वैसे आज करा नहीं है कुछ, मैंने करा आज ने ना प्रेस करी थी कपड़ों पे, थोड़े से कपड़ों पे प्रेस करी थी, और झाड़ू पोछे करे थे मैंने, अपना सूसियाँ तो किचन वगैरह साफ करी थी, दोपहर का लहसुन बनाया था, और अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ सानिया के लिए। चलिए मेरी प्याज जल गई जाए, बातों के चक्कर में ना मेरी प्याज जल गई, देखो काली हो गई। बिरयानी खाने के बाद मैं बना रही हूँ अभी चाय अपने तीनों के लिए, आज हमने चाय पी नहीं थी, तो अभी ना बिरयानी खाने के बाद चाय, इसके पापा कह रहे हैं चाय और नमकीन, और ये वाली जो नमकीन है ना ये मोटी वाली, कल मैं इतना बड़ा पूरा पैकेट लेकर आई थी तो मैंने डब्बे में कर दी, और जो बची हुई थी वो कल खा ली, ये बच्चों को ये वाली नमकीन बहुत पसंद है, मोटी वाली जो आती है चाय से, तो इसके पापा भी मांग रहे हैं कि वही नमकीन लेकर आना, तो मैं चाय और नमकीन इंजॉय करने जा रहे हैं। भाई चाय बन गई, ये सानिया की, ये सानिया के पापा की, और मैंने ना अपने लिए थोड़ी ली है, मैं थोड़ी पीऊँगी, ये दो कप एक जैसे हैं, वो एक कप अलग हो गया, बस जो आत्मा है वो उतार ली, और ये वाली नमकीन कर ली कटोरी में, अभी चलिए करते हैं इंजॉय चाय, पहले देते हैं सानिया को, ले सानिया चाय, नमकीन भी सानिया नमकीन नहीं खाएगी, सानिया के पापा को पसंद आ रही है ये वाली नमकीन, बच्चों वाली नमकीन, लो जी चाय, चाय नमकीन खाओ। आ गए यार भाई, हेलमेट ना ले गए तुम इसके लिए, अपने ले गए, बिना हेलमेट के गए क्यों, क्या लाया रहा दिखा नर्सरी से, आ चुका है नानी के यहाँ से, दो दिन का कार लगा, दो दिन का कार ले, बर्थडे केक खा ले, खाना लगाऊं। सो गाइस रियान आ गया था, सानिया के जो बर्थडे था उसके अगले दिन ही रियान आ गया, तो मैंने रियान के लिए ना केक बचा कर रख दिया था फ्रिज में, और ये ना मनी प्लांट लेकर आए थे रियान के पापा, बस तो कई बार लगा चुके हैं, हमारे होती नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन देखो इस बार होती है तो। और गाइस ये ना हमने न्यू बेड बनवाया था, दीवान मतलब, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, गद्दा अभी इसका नहीं मंगाया अभी, अभी तो मैंने ऐसे कपड़ा बिछा कर बेडशीट बिछा दी है, फिर मंगा लेंगे इसका गद्दा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।